depending on the profile. So we need to guide them how to prepare this. Or कई बार ये जो features होते हैं, we use for them in the industry itself. और थोड़ा सा तो even day का चार दिन है, तो मॉड्यूल करते हैं. Share the students with them, वहाँ पे भी training. So that is industry partners, the main USP of the training placement model. So by that way, when I joined the university in January, they tell you if you are about that. This was a coincidence that I had to come because my wife is doing PhD from the same university. And ये तो सबसे पहली बात है. थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों ने हमारे को ये बोलने का मौका दिया. हम यहाँ पे जो मेन आए हैं क्योंकि श्रीनगर हमारा जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, विच इज़ ऑलमोस्ट उसके 23 साल हो चुके हैं. हमने इस बार कोविड आने के बाद में बहुत लोगों की दिक्कतें जो बढ़नी शुरू हुई है, लोगों में डर भी शुरू हो गया कि मैं अपनी जगह से बाहर निकलूँ, बच्चों को भेजें ना भेजें. हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी हमारी जो सपोर्ट कर रही है, नॉट ओनली हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें. जैसे 4 करोड़ की स्कॉलरशिप हमारी है, उसका 30% मीन्स 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ हम कश्मीर के बच्चों को ही देंगे स्कॉलरशिप के लिए, जिससे कि पढ़ाई में कोई कमी ना हो, जिससे और कोई ये ना रह जाए कि मैं पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाया हूँ. मेन मुद्दा हमारा आके यहाँ पे सबको ये बताने का है. और हम चाहेंगे कि जितने बच्चे आएंगे हम सबको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, और हम ये भी करने के लिए तैयार हैं कि उनको एक हम ह्यूमन बींग बना के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इस तरीके से बना के भेजें जो कि वो कल अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर को भी देख सके और पैसा ऐसा कमाए जिससे कि गर्व से अपने आप को नाम ले सके. सर ये बताइएगा कि प्रोसीजर क्या चीज़ किस तरीके से रहेगा और जो स्टूडेंट्स. देखिए इसके लिए हमारे पास ना एलसेट करके एग्जामिनेशन जो कि एक एग्जामिनेशन होगा, जिस एग्जामिनेशन जैसे इंजीनियरिंग और स्किल साइंसेज के लिए अलग होगा, जनरल नॉलेज के एग्जामिनेशन होंगे जिससे कि बेसिक स्किल्स क्वालिफाई करने के लिए जिसे मेरिट बनती है वो आपका लोकल यही एग्जामिनेशन होगा. और एग्जामिनेशन के बाद में जो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप का मतलब उनका ऑफर लेटर मिल जाता है. और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर वो स्कॉलरशिप मिलने के बाद में वो अपने आप को मेंटेन करता है, नॉट ओनली ये साल आने वाले सालों में भी उसकी फीस में वही कंटिन्यू होता चला जाएगा. सो दैट कि कोई एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है बट वो शायद पैसे की वजह से दूर नहीं जा पा रहा है तो हम कर दें. अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ जैसे कि अभी अब जैसे हमारे पास में अफगानिस्तान से काफ़ी सारे बच्चे थे और बच्चे जब ये आए हमारे पास में, अभी आप जानते हैं वहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब हो गई वहाँ पे. जब वो बच्चे आए मेरे ख्याल से 35-1 बच्चे आए कि साहब हम फीस वगैरह नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारी सिचुएशन वहाँ पे अभी इस टाइम पे बहुत माहौल चल रहा है. हमने उन सब को फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ किया. हमने कहा आप सिर्फ एक अंडरटेकिंग दीजिए कि हम आप जब आप नौकरी करने लगेंगे तब आप ये पैसे यूनिवर्सिटी को वापस करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ नहीं, जो कि वो पैसा फर्दर हम बाकी बच्चों को आगे दे सकेंगे. देखिए आप बिल्कुल आपने बड़ा चाहे. देखिए ऐसा होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मैं इनसिक्योर वो फील कब करते हैं जब माहौल जब वहाँ का ऐसा होता है. लिंगियास में हमारे यहाँ पे माहौल पे आप देखेंगे कि आज तक लिंग